मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर एक दलित युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पीड़ित युवक को सड़क पर गिराकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद भीड़ तमाशबीन बन पूरा नजारा देखती नजर आ रही है। घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने यह पूरा वाक्य अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। दरअसल बताया जा रहा है कि यह घटना जौनसर थाना क्षेत्र के तिसंग गांव की है, जहां बीती 20 जुलाई को गांव के ही बस चालक मुकेश और पीड़ित ई रिक्शा चालक रवि उर्फ कल्लू के बीच सवारी बैठाने को लेकर मामूली विवाद हो गया था, जिसके बाद बस चालक मुकेश ने अपना कृष्ण अमरीश और कालू के साथ मिलकर पीड़ित ई रिक्शा चालक रवि की सरेआम बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद जहां पीड़ित के परिवार वालों ने थाने में लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की थी, तो वहीं घायल रवि को उस दौरान उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे डॉक्टर द्वारा मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद व्यक्ति ने यह पूरा वाक्य अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में उचित कार्रवाई ना होने से नाराज पीड़ित युवक रवि के परिजन सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन करते हुए और आला अधिकारियों से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। दिनांक 20/7/23 को ई रिक्शा चालक और एक बस चालक के आपस में कहासुनी हो गई थी, जिसके संदर्भ में फिर पुनः गांव में जाकर के दोनों पक्षों के द्वारा मारपीट हुई, जिसमें जो है एक युवक की पिटाई करते हुए एक वीडियो भी सामने आई है। तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इसमें उपयुक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और उसके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल इस मामले में आला अधिकारियों का कहना है कि शिकायत पर तत्काल थाने में आरोपियों के विरुद्ध इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।